वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। सो गाइस टुडे आई विल स्टार्ट द कार्बन कंपाउंड। सो गाइस ये 10th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर है हमारा एसएससी बोर्ड का। सो गाइस इस चैप्टर को मैंने स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस चैप्टर को मैंने बीच से जो पेज नंबर 114 है गाइस इसका 5th पेज है इस चैप्टर का वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। बिकॉज गाइस चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड एंड कार्बो कंपाउंड जो भी है गाइस कार्बन कंपाउंड वो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, वो होता है हाइड्रोकार्बन से। एंड जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट है गाइस इसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाएंगे। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द हाइड्रोकार्बन गाइस दो टर्म है जो समझना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट है हमारा एलिमेंट एंड दूसरा कंपाउंड क्या होता है गाइस। सो अभी आपने प्रोडक्ट टेबल देखा रहेगा गाइस वहां पे टोटल 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट टोटल, मतलब स्टार्टिंग से हाइड्रोजन से लेकर अनन ऑक्टियम तक टोटल 118 एलिमेंट है राइट। और सब फ्री फॉर्म में है गाइस, कोई कोई आपको नेचर में ना मिक्स फॉर्म में भी मिलेगा, उसको कंपाउंड बोला जाता है गाइस। सो बेसिकली एलिमेंट क्या होता है गाइस, जो फ्री फॉर्म होता है ना किसी भी एलिमेंट का फ्री फॉर्म अगर नेचर में मिल रहा है, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लो, जो सॉल्ट हम लोग खाते हैं गाइस वो किस फॉर्म में मिलता है गाइस, NaCl के फॉर्म में। तो इसमें ना कौन कौन से एलिमेंट है गाइस, इसको तोड़ दोगे अगर किसी अगर यहाँ पे इसे तोड़ दोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है गाइस, सोडियम मिल रहा है और यहाँ पे क्लोरीन है राइट, क्लियर। तो ये जो पार्ट टूटे हैं ना गाइस इनको बोला जाता है गाइस एलिमेंट। तो एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है गाइस, द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय केमिकल प्रोसेस। तो देखो ये क्या है गाइस, ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, क्लियर। तो इनको फर्दर आप तोड़ नहीं सकते, सोडियम को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, बट ये जो कंपाउंड बनाता हमारा गाइस ये दोनों मिक्स होकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको NaCl, जो हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं ना गाइस, जो घर पे खाते हैं टेबल सॉल्ट, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है गाइस NaCl। तो अगर NaCl को तोड़ोगे तो ये दो नए एलिमेंट मिल रहे हैं और ये फर्दर क्या होता है डिकम्पोज नहीं कर सकते, क्लियर। बट यही एलिमेंट एक प्रॉपर रेशियो में जब कंबाइन होते हैं ना गाइस, प्रॉपर कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है गाइस राइट। तो यहाँ पे कंपाउंड का डेफिनेशन देख लो क्या दिया गाइस, द सब्सटेंस विच हैव डेफिनाइट कॉम्पोजिशन। तो इनका जो रेशियो रहता है ना गाइस वो फिक्स रहता है, पर्टिकुलर एक रेशियो में फिक्स रहता है एंड कैन बी डीकम्पोज बाय सिंपल केमिकल प्रोसेस। सो गाइस ये देखो ये कंपाउंड है, ये क्या हमारा NaCl एक कंपाउंड है, इसको आप फर्दर डीकम्पोज तोड़ सकते हो बाय केमिकल सेपरेशन। तो इसको अगर तोड़ोगे गाइस तो एलिमेंट मिल रहा है। तो थोड़ा सा हिंट लगता है गाइस कि कंपाउंड किसी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना है राइट, एंड उसको तोड़ने पर जो मिल रहा है हमें सब्सटेंस वो क्या है गाइस, यस एलिमेंट है जो फर्दर डीकम्पोज नहीं हो सकता, क्लियर। तो गाइस हमारा जो हाइड्रोकार्बन है ना वो भी एक तरह का क्या है गाइस, कंपाउंड है। तो अभी कंपाउंड से पता चल रहा है कि वो एक चीज से तो बना नहीं रहेगा, दो या दो से ज्यादा चीज से बना रहेगा गाइस, मतलब टू और मोर देन टू एलिमेंट से कंबाइन होकर बना रहेगा गाइस। तो वो टू एलिमेंट कौन कौन से हैं, सी नाम में ही रखा है गाइस, देखो नाम में रखा है, ये हाइड्रो दिया है गाइस, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड यहाँ पे कार्बन, कार्बन का मतलब क्या होता है गाइस, सॉरी कार्बन, क्लियर। तो ये हाइड्रोकार्बन दो एलिमेंट से मिलकर बना है, कौन सा गाइस, हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो वी कैन से दैट हाइड्रोकार्बन से डेफिनेशन क्या बोलता है गाइस, द कंपाउंड विच पोजेस विच एलिमेंट गाइस, कार्बन एंड हाइड्रोजन। गाइस याद रखना ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये भी हाइड्रोजन क्या है गाइस, ये भी एलिमेंट है। तो ये दोनों क्या होते हैं गाइस, एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स होते हैं एंड जब कंपाउंड बनता है ना उसी को क्या बोला जाता है गाइस, हाइड्रोकार्बन, क्लियर गाइस। तो आई होप गाइस हाइड्रोकार्बन समझा हो, एलिमेंट समझा हो एंड कंपाउंड समझा हो। सो कंपाउंड का और एग्जांपल देख लेते क्या गाइस, ये सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया गाइस। अभी वाटर देख लो गाइस, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है गाइस, यस वीडियो को पॉज करो पता होगा गाइस, नाइन्थ में पढ़ा रहेगा, एट्थ में भी सी। वाटर का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है गाइस H2O, और ये कैसे दिखते हैं गाइस, HOH। तो गाइस अगर इस बॉन्ड को तोड़ोगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है इसको तोड़ दो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, दो हाइड्रोजन मिल रहे और ये ऑक्सीजन मिल रहा है गाइस। तो ये क्या है, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये क्या है, एलिमेंट है। और ये एलिमेंट क्या हुआ, प्रॉपर रेशियो में मिलकर क्या बना रहे गाइस, कंपाउंड। वैसे क्या हमारा गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइस हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड
एक्सएल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। तो सीओ भी गाइस कैसा रहता है, सीओ टू ये, तो इसको भी तोड़ोगे तो गाइस क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बन मिलेगा एंड ऑक्सीजन मिलेगा। क्लियर, तो कार्बन मिल रहा है और ये ऑक्सीजन मिल रहा है गाइस। क्लियर, तो ये एलिमेंट है, ये भी प्रॉपर रेशियो में कंबाइन होकर क्या बना रहा है गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, तो कंपाउंड गाइस अच्छे से समझा होगा, अब एलिमेंट भी समझा होगा। जैसे बिल्डिंग का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है क्या गाइस, ब्रिक। तो समझ लो गाइस ये हमारा ब्रिक है, ये हमारा बिल्डिंग है। क्लियर, और ये क्या है गाइस, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी एक तरह का कंपाउंड है, वो किस किस एलिमेंट से बना है गाइस, कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्लियर, सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर, तो मैंने गाइस आप लोग का ये बुक रेफर किया, बट वहां पे ना पूरा कहता है भी आधा यहाँ पे दिया आधा वहां पे दिया है। क्लियर, अरे जो चार्ट है वो बुक में नहीं दिया गया, सो प्लीज ये चार्ट को रेफर कर लेना। क्लियर, तो यहाँ पे देख लो, अभी मैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करता हूँ गाइस। और ये क्या है गाइस, ये अभी ना आप लोगों को थोड़ा बाउंसर जाएगा, ये समझेगा नहीं अभी जो क्या क्लासिफिकेशन दिया है। देन जब ये क्लासिफिकेशन को एक एक डिटेल पढ़ेंगे ना तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा गाइस। क्लियर, सो गाइस पहला है देखो, हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया गाइस, एक कौन सा है, ओपन चेन। एंड गाइस ओपन चेन को ही दूसरा नाम क्या है गाइस, एलिफेटिक चेन। और इसका थर्ड सेम अल्टरनेटिव नाम क्या है गाइस, असाइक्लिक। तो ये सेम नाम है, चाहे ओपन चेन बोलो चाहे एलिफेटिक बोलो चाहे असाइक्लिक बोलो। क्लियर, एंड दूसरा क्या है गाइस, साइक्लिक चेन। और इसका अल्टरनेटिव नाम भी क्या है गाइस, रिंग चेन। देखो अभी यहाँ पे NaCl कैसे दिख रहा है, यहाँ पे NaCl हम ऐसे लिखते हैं, वाटर क्या हो गया, H2O। क्लियर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाइस ये मॉलिक्यूल भी जो होते हैं ना ओपन चेन वाले, ये मतलब ओपन होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ओपन होता है। क्लियर, जैसे यहाँ पे जैसे एक लाइन बना दिया। क्लियर, अब रिंग बोले तो एक ऐसे रिंग फॉर्म में रहेंगे, ऐसे रिंग फॉर्म में रहेंगे, उनका स्ट्रक्चर है ना सर्कुलर रहेगा, मतलब एक जो एंड है और स्टार्ट एक दूसरे में फ्यूज रहेंगे गाइस, और इनका जस्ट ओपन रहेगा। क्लियर गाइस, ओके सो नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। अब यहाँ पे जो ओपन चेन है गाइस ये फर्दर क्लासिफाइड है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किसमें, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एंड सैचुरेटेड और फर्दर डिवाइडेड किसमें गाइस, एक सिंगल पार्ट में जिसको बोला जाता है अल्केन। एंड जो हमारा अनसैचुरेटेड वो फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एक होता है अल्केन एक दूसरा एंड थर्ड वन इज अल्काइन। क्लियर, सो गाइस ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये क्या है गाइस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, ये रिफर करेंगे आगे डिटेल वाइज अच्छे से रिफर करेंगे। सो गाइस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है अल्केन है। क्लियर, याद रखना सब में अल्क लगा है, सी अल्क। क्लियर, बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ओपन का, याद रखना ओपन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन है। क्लियर, और अल्केन का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है गाइस CnH2n+2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है CnH2n+2, इसी पे ये पूरा पार्ट डिपेंड करता है। जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होता है ना गाइस इस पर्टिकुलर के लिए, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, सिमिलरली गाइस एक केमिस्ट्री में अल्केन के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, अल्केन के लिए है अल्काइन के लिए गाइस। तो यहाँ पे अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, तो जस्ट लास्ट का ये डिजिट दिखा ना +2, तो यहाँ से हटा दोगे तो वो अल्केन हो जाएगा, और यही माइनस कर दोगे यहाँ पे CnH2n-2, तो यहाँ पे क्या देखेगा गाइस, ये अल्काइन का फॉर्मूला आ गया। तो लास्ट वर्ड याद रखना गाइस कि अल्केन है ना हमारा सैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में अल्कीन है जिसका फॉर्मूला है CnH2n, और अल्काइन देखो जरा YNe, इसका फॉर्मूला CnH2n-2। क्लियर गाइस, ओके। अब यहाँ पे जो अल्केन होता है ना गाइस, अल्केन का भी क्या होता है गाइस, ये फर्दर क्लासीफाई होता है स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट मतलब एक ना कार्बन कंपाउंड का क्या होगा, एकदम सीधा चेन होगा, जैसे ये रोड रहता है ना एकदम सीधा एक रोड रहता है, और कभी कभी रोड का देखोगे सीधा रोड रहेगा बट साइड में ब्रांचिंग रहेगा, तो सिमिलर वैसे ही कंपाउंड ही मिलेंगे गाइस, कभी स्ट्रेट पूरा चेन होगा और कभी स्ट्रेट होगा बट ब्रांचिंग भी होगा, तो उनको गाइस ब्रांच चेन बोला जाता है। एंड सिमिलरली गाइस हमारा अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट कौन कौन से, अल्कीन है और गाइस अल्काइन है। क्लियर, और ये अल्काइन के भी क्या है गाइस, इनका भी सेम, अल्कीन भी दो पार्ट में क्लासिफाई रहता है और अल्काइन भी, इनका भी स्ट्रेट चेन होता है, दोनों का याद रखना, अल्कीन का भी स्ट्रेट एंड ब्रांच होता है एंड अल्काइन का भी स्ट्रेट एंड ब्रांच होता है गाइस। क्लियर, तो ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। क्लियर,
एंड देन हमारा है साइक्लिक चेन, या इसको क्या बोला जाता है गाइस, रिंग चेन। और इनका भी क्लासिफिकेशन है गाइस, एक पहला है सैचुरेटेड एंड दूसरा है गाइस अनसैचुरेटेड, क्लियर। बट इसका फॉर्मूला नहीं है गाइस, नो फॉर्मूला, ये वैरी करता है गाइस बहुत, इसीलिए इसका फॉर्मूला नहीं है, प्लीज रिमेम्बर इसका फॉर्मूला नहीं है। बट यहाँ पे अल्केन का फॉर्मूला, अल्केन का फॉर्मूला है और अल्काइन का फॉर्मूला है गाइस, क्लियर। सो इफ यू वॉन्ट टेक अ स्क्रीन शॉट देन गाइस, अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्लियर। सो गाइस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं गाइस, ही होता क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या है, अल्केन, एंड अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है गाइस, क्लियर। ये हमारा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये हमारा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका गाइस, अल्केन का। एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं गाइस, अगर हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर देखोगे तो अगर उसमें ऑल कार्बन एटम्स आर लिंक टूगेदर बाय सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन टू कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड वो सिंगल होना चाहिए, क्लियर। मतलब ये कार्बन हो गया, क्लियर, और ये कार्बन हो गया, ये अगर आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है गाइस अल्केन, क्लियर। अगर वो डबल बॉन्ड हुए तो वो आ जाता है अल्किन, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड हुए तो उनको बोला जाता है गाइस अल्काइन, वो आगे पढ़ेंगे गाइस अल्केन अल्किन अल्केन अल्किन अल्काइन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है गाइस, दीज टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। सो गाइस ये कार्बन और जो हमारा नेक्स्ट दूसरा कार्बन है उसपे क्या होना चाहिए गाइस, सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, क्लियर, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अब बॉन्ड क्या होता है गाइस वो भी मैं जस्ट बता देना चाहता हूँ गाइस, सो इस पार्ट को मैं थोड़ा ऊपर रफ कर देता हूँ, देखो। अब बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सी कोई भी एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होता है ना गाइस, तो एक पर्टिकुलर रेशियो में, मैंने कहा ना पर्टिकुलर प्रोपोर्शन या रेशियो में कंबाइन होता है, बट वो कैसे, जब कंबाइन होता है ना गाइस तब बॉन्ड बनाते हैं, जब मिलते हैं दो एलिमेंट तो एक बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। अब ये आयोनिक बॉन्ड क्यों होता है और कोवलेंट बॉन्ड क्यों, अलग अलग बॉन्ड बन रहे हैं, एलिमेंट तो सब एक ही जैसे हैं, उनका बस केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, फिजिकल मतलब फिजिकल अपीयरेंस या नेचर अलग होता है गाइस। तो जब बॉन्ड बनाते हैं तो कोई एलिमेंट आयोनिक बॉन्ड बनाता है, कोई कोवलेंट, ऐसा क्यों होता है, क्लियर। तो देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है कि आयनिक बॉन्ड क्यों बनाते हैं और कोई एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो गाइस आयनिक बॉन्ड को स्टार्ट करने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ, NaCl। अभी ये NaCl क्यों, बिकॉज ये आप लोगों को भी पता होगा ये टेबल सॉल्ट है, क्लियर। अब ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है, ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म क्यों नहीं करता, उसके पीछे भी रीजन है, क्लियर। अब यहाँ पे गाइस अगर सोडियम एलिमेंट देखोगे, सोडियम एलिमेंट, तो यहाँ पे इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन, और कैसे आप लोग लिखते हो गाइस इसको, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन, देन लास्ट सेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। एंड गाइस अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे लिखते हो गाइस, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन, देन अगेन सॉरी 7 आएगा ना गाइस, 7 आएगा, क्लियर, 2 प्लस 10 प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 17। सो गाइस अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलिमेंट जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, सोडियम और सीएल कंबाइन हो रहे हैं, जब NaCl बन रहा है तो ये आयनिक बॉन्ड क्यों फॉर्म हो रहा है, क्लियर। ये एलिमेंट तो अलग अलग है ना, सोडियम एंड क्लोरीन, बट ये फॉर्म क्या कर रहे हैं, आयनिक, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो देख लो गाइस अब यहाँ पे सी, अब किसी भी एलिमेंट का जो कोर पार्ट होता है वो होता है गाइस न्यूक्लियस, क्लियर, एंड ये पहला सेल हो गया, उसके बाद जो सेल्स होते हैं ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, क्लियर। अब यहाँ पे देख रहे हो गाइस पहले सेल की कैपेबिलिटी कितनी होती है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, देन थर्ड सेल में 8, देन हमारा 18 इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ता रहता है ना गाइस। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, एंड थर्ड में 8, एंड फोर्थ में कितना, 18। तो गाइस प्लीज एक चीज याद रखना, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, कि अगर आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा तो वो एलिमेंट काफी मच स्टेबल होते हैं, क्लियर। आउटर मोस्ट जो सेल होता है ना वो स्टेबल होना चाहिए, आउटर मोस्ट सेल किसी भी एलिमेंट का, आउटर मोस्ट सेल
इलेक्ट्रॉन या तो पूरा खाली रहेगा तो भी चलेगा, या पूरा फिल्ड रहेगा तो वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। क्लियर गाइस? ओके। अब सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब क्या करेगा, देखो अब यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे और यहाँ पे सपोज सोडियम का, ये सोडियम का ले, ये सोडियम का मैंने बना लिया, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे सिमिलरली क्लोरीन का बना दे रहा हूं, ये क्लोरीन है। क्लियर? अब यहाँ पे इसके पास पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड सेकेंड में कितना 8 एंड थर्ड में कितना है गाइस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एंड सिमिलरली गाइस क्लोरीन के पास देखोगे तो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में कितना है गाइस 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में कितना 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड में गाइस 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एलिमेंट को देखो, इनका न्यूक्लियस देखो एंड आउटर मोस्ट सेल देखो, तो यहाँ पे क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन रहना कितना चाहिए था सोडियम के पास, आउटर मोस्ट सेल में 2 हो गया 8 हो गया, यहाँ पे सोडियम की बात हो रही है तो 2 के बाद 8 देन अगेन 8 होना चाहिए, बट इलेक्ट्रॉन है कितना इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा गाइस, मैंने कहा ना या तो आउटर मोस्ट सेल पूरा एम्प्टी होना चाहिए या पूरा फिल्ड होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल क्या होता है गाइस, जो भी कंपाउंड बनेगा या एलिमेंट वो स्टेबल होता है। तो गाइस ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको देगा, क्लोरीन को देगा। बिकॉज गाइस ये अपना अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 था अब क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर? और ये जो 7 था ये कितना हो जाएगा गाइस, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया ना तो ये 8 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में। गाइस इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अगर ये नेगेटिव अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1+ चार्ज जाएगा, 2+ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2+ चार्ज जाएगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो यहाँ पे अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। स्ट्रक्चर देखो क्या आएगा, 2 और 8 आएगा। क्लियर? और 0 आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे इसको हटा दो तो देखो पूरा फील्ड है 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरा फील्ड है आउटर मोस्ट सेल में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएगा और ये सेल भी चले जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 बच गए, तो यहाँ पे देख रहे हो पूरा फील्ड है एंड इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं देखो। अब क्लोरीन के पास चार्ज आएगा माइनस, क्यों, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है सोडियम से, तो इसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन एंड इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे पहले में 2 देन 8 देन 8 तो देखो इसका आउटर मोस्ट सेल इसका भी फील्ड है एंड इसका भी फील्ड है, तो ये मोस्ट स्टेबल हो रहा है, मतलब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो रहा है एंड क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहा है। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे क्या होगा, ये Na पे प्लस चार्ज आके कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड क्लोरीन क्या हो रहा है गाइस, माइनस चार्ज आके कि इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये क्या कर रहे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे पे कंप्लीटली ट्रांसफर करके बॉन्ड बना रहे। क्लियर? तो और ऐसे में जो बॉन्ड बनता है ना गाइस, प्लस माइनस ऐसे में जो बॉन्ड बनता है ना, देखो अब क्या हुआ है, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो गाइस ऐसे जो बॉन्ड बनता है ना इनको बोला जाता आयोनिक बॉन्ड बिकॉज अगर इन कंपाउंड को तोड़ोगे ना तो आयन्स बनते हैं, इन कंपाउंड को तोड़ोगे तो आयन्स बनते हैं, एक होता है केटायन्स। क्लियर? और दूसरा होता है गाइस, दूसरा जो बनेगा वो होता अनायन्स। केटायन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एंड अनायन्स मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। तो पॉजिटिव कौन बना, सोडियम, नेगेटिव कौन बना, क्लोरीन माइनस। क्लियर? तो आई होप गाइस आयनिक बॉन्ड समझा हो कि कभी बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, और क्यों ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि खुद को स्टेबल होना है एंड दूसरा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले क्यों रहा है, क्योंकि उसको भी स्टेबल होना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर ट्रांसफर हो रहा है, एक डोनर है दूसरा रिसीवर है एंड चार्ज डेवलप हो रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना वो होता है आयोनिक। क्लियर गाइस? अब स्टार्ट करते हैं गाइस कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें इसको मैं पार्ट को पूरा रफ कर देता हूँ गाइस, देन हम कोवेलेंट बॉन्ड को स्टार्ट करते हैं। क्लियर? सो गाइस अब कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने ऑलरेडी हिंट लिख के रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं गाइस, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी आयनिक बॉन्ड देखा कि एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट पर ट्रांसफर हो रहा था और दोनों स्टेबल हो रहे थे। क्लियर? अब कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं, तो सिंपल सा एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ गाइस, मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेना चाहता हूँ, हाइड्रोजन गैस का एग्जांपल।
क्लियर। अब यहां पे देख रहे हो कि यहां पे टोटल दो हाइड्रोजन है, ये पहला हाइड्रोजन एंड ये दूसरा हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वन। क्लियर। तो इसके पहले सेल पे वन इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड इसके भी पहले सेल में वन इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लियर। अभी मैंने क्या कहा गाइस कि न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल है ना, आउटर मोस्ट सेल उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए या कंप्लीटली हाफ होना चाहिए, तो वो हमारा एलिमेंट स्टेबल होता है। तो हाइड्रोजन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे गाइस न्यूक्लियस का, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा हाइड्रोजन का और ये पहला सेल। क्लियर। तो यहाँ और ये हमारा दूसरा सेल तो जनरली लिखने की जरूरत नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कम है गाइस। तो यहाँ पे इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है गाइस, इसके पास वन इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, सी अब दूसरा हाइड्रोजन है, ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन है, इसके भी देखो आउटर मोस्ट सेल में वन इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो यहाँ पे भी तो केस हो सकता था कि ये अपना हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन, ये अपना हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास ये H- आ जाएगा और यहाँ पे H+ आ जाएगा, ऐसा तो होना चाहिए था ना गाइस। बट गाइस ऐसा नहीं होता बिकॉज अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ना इसको, तो ये दोनों हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, हाईली अनस्टेबल। यहाँ पे केस आएगा कि यहाँ अगर बोल सकते हो कि यहाँ पे तो टू इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल है, क्योंकि पहले में कितना है, टू इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरे सेल में एट, थर्ड सेल में एट, देन फोर्थ सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टू तो हो रहे। क्लियर। ये तो स्टेबल होना चाहिए ना, बट डियर स्टूडेंट्स ये स्टेबल नहीं होता, ये प्रैक्टिकली डाटा है कि ये अनस्टेबल होते हैं। तो इन लोग करते क्या है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये भी हाइड्रोजन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्लियर। तो अगर इस हाइड्रोजन को देखोगे तो इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन होगा, एक खुद का इलेक्ट्रॉन इसने एक दूसरे से शेयर करके लिया है। क्लियर। अब इसके पास भी देखोगे गाइस तो इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसने भी शेयर करके दूसरे से इलेक्ट्रॉन लिया है। मतलब क्या है कि मुझे 20 रुपए चाहिए तो 10 रुपए तो है मेरे पास, मैं किसी से 10 रुपए शेयर कर रहा हूँ कि भाई मुझे 10 रुपए दे दे, चाहे उधर से उसको भी चाहिए तो वो भी 10 ले सकता है, मुझे चाहिए तो मैं भी ले सकता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना शेयर हो रहा है एक दूसरे के पास। क्लियर। तुझे जरूरत है तो तुझे ले ले, मुझे जरूरत है तो मैं लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, ये दो इलेक्ट्रॉन है ना इनका एक क्या हो रहा है गाइस, शेयरिंग हो रहा है। और अभी देखोगे ना इनका स्ट्रक्चर, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको पकड़ेंगे तो इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, खुद का एक शेयर कर रहा है, एंड इसको भी अगर लेंगे तो इसके पास भी खुद का एक शेयर कर, एक शेयर वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड इसको भी पकड़ेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफर होगा ना तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है, हमारा जो एलिमेंट जो है वो अनस्टेबल हो रहा है। बट हमें अनस्टेबल नहीं चाहिए एलिमेंट, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये एलिमेंट क्या करते हैं कि शेयरिंग करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेचर में हर चीज जो भी है वो खुद को स्टेबल चाहती है, तो ये भी क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते, शेयर करते हैं। एंड दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ गाइस, तो गाइस अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कार्बन कंपाउंड का, जो हम लोग कोवलेंट बॉन्ड डील कर रहे हैं। सो गाइस मैं कोवलेंट बॉन्ड का जो सेकंड एग्जांपल है गाइस, मैं इसी कंपाउंड में से उठाना चाहता हूँ, बिकॉज हम लोग फर्दर यही पढ़ने वाले हैं गाइस। सो देखो याद रखना गाइस, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बट एक चीज याद रखना गाइस, ऑल हाइड्रोकार्बन जितने भी हमारा हाइड्रोकार्बन जो फॉर्म हुआ ना गाइस, वो किससे फॉर्म हुआ है गाइस, वो एक कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्म हुआ है। सर जितने भी हाइड्रोजन एंड कार्बन आपस में जो लिंक्ड है वो किस बॉन्ड से फॉर्म हुए गाइस, कोवेलेंट बॉन्ड से। इट मींस व्हाट गाइस, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों होता है, यहाँ पे ट्रांसफर क्यों नहीं होता, वो भी रीजन देखना है हमें। क्लियर। इसके पहले हम लोग हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिए, बट अगर उस पर भी कुछ डाउट होगा इस, तो मैं भी कार्बन का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, कार्बन एंड हाइड्रोजन का, उससे अच्छे से और क्लियर हो जाएगा गाइस। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एग्जाम्पल यही मिथेन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं CH4 का एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ मिथेन का। क्लियर। ये हमारा मिथेन है, एंड रिमेम्बर वन थिंग गाइस, जो मिथेन है यही है सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन भी यही है गाइस। क्लियर। क्योंकि सबसे स्मॉल मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 1 है ना, तो इसी में है, इससे बड़ा ये फिर ये इसे लार्जर होते जा रहा है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है गाइस। अब यहाँ पे है क्या, प्लीज रिमेम्बर,
कि यहाँ पे कार्बन एलिमेंट है और हमें पता है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 गाइस, क्लियर। एंड यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये कैसे देखा, 2 और 4, तो इसके आउटर मोस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन है गाइस, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। अब यहाँ पे अगर इसका न्यूक्लियस देखोगे तो यहाँ पे गाइस इसका ये न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियस और ये हमारा पहला सेल, ये हमारा सेकेंड सेल होगा, क्लियर। अब यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होता है गाइस, यहाँ पे प्रोटोन होता है एंड क्या होता है गाइस, न्यूट्रॉन। इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है गाइस, 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड सेल में कितने है गाइस, 4 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो यहाँ पे गाइस प्रोटोन कितने होंगे, जितने किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने सेम नंबर ऑफ प्रोटोन होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोन, इसका प्रोटोन कितने होते हैं गाइस, 6 एंड नाइट एंड न्यूट्रॉन कितने होते गाइस, ये भी 6 होता है, क्लियर। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसके आउटर मोस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, क्लियर। क्या ये स्टेबल है, नहीं, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, 2, देन सेकंड सेल में 8, देन थर्ड सेल में 8 एंड देन फोर्थ सेल है गाइस, वो 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब जाके मॉलिक्यूल या हमारा जो एलिमेंट है वो स्टेबल होता है, एलिमेंट स्टेबल होता है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख रहे हो कितना गाइस, 4 है। तो यहाँ पे ये बीच का नंबर है, तो कार्बन क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। तो देख लेते हैं गाइस, सपोज इन केस कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन मान लिया, चलो मान लेते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो मुझे ये बताओ कि गाइस अगर कार्बन ने, सपोज कार्बन ने अगर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया या 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया, सपोज पहला केस मैं लेता हूँ, केस 1 लेता हूँ गाइस, किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, सपोज कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन कितना करेगा दूसरे कार्बन से, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तब जाके आउटर मोस्टल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा गाइस, क्लियर। तो अगर इसने 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो कार्बन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, यस, चार्ज कितना आएगा गाइस, मैंने कहा ना अगर मैं इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मुझ पे पॉजिटिव आएगा, बट जो ले रहा है उस पर नेगेटिव आएगा, इनकेस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, NaCl का देखा एग्जाम्पल अपने। सो गाइस अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन पे कितना चार्ज आएगा, तो कार्बन पे -4 का चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। तो मुझे ये बताओ गाइस, सी यहाँ पे न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटोन है, राइट, 6 प्रोटोन है एंड 6 न्यूट्रॉन है, क्लियर। एंड अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके आउटर मोस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे गाइस, 8। तो यहाँ पे क्या होगा, सी कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ये ऐसे, ये तो स्टेबल होना चाहिए ना, बट नहीं होता गाइस, बिकॉज यहाँ पे इसका न्यूक्लियस काफी छोटा रहता है गाइस, और ये न्यूक्लियस इस नेगेटिव चार्ज को बेयर नहीं कर पाता, काफी अनस्टेबल हो जाता है, तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो हाईली अनस्टेबल हो जा रहा है, बिकॉज इस न्यूक्लियस छोटा होने की वजह से क्या होता है, ये इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाता न्यूक्लियस, इतने बड़े नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाता खुद को, क्लियर। तो अब मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, चलो ठीक है ले नहीं दे तो सकता है ना, चलो ठीक है दूसरा केस देख लेते हैं। तो सेकंड केस में सपोज ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है सपोज, तो कार्बन के ऊपर चार्ज कितना आएगा गाइस, यस पॉजिटिव 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव 4 आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरे निकल जाएंगे, बस यही सेल बचेगा, क्लियर। बट अगर सोचेगा 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो अनस्टेबल हो जा रहा है, बट अभी ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे तो सकता है गाइस, ये 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस पे जो +4 चार्ज आएगा ना, +4 चार्ज, बट ये जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ना यहाँ पे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4, सो गाइस ये क्या है देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, राइट, ये हमारा पहला सेल है, ये क्या है हमारा दूसरा सेल है, सो गाइस इस न्यूक्लियस से ये पहला सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, ये न्यूक्लियस ना काफी अट्रैक्ट करके रखता है सेल को,
एंड ये जो फोर इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहोगे ना, तो इसके लिए ना काफी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो फोर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बट और ये कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं रहती कि इस इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव कर सके। क्लियर? सो गाइस, कार्बन पे माइनस फोर भी पॉसिबल नहीं है, प्लस फोर भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं रहता कार्बन के पास कि अपना फोर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। एंड फोर इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे जो सिक्स प्रोटोन है ना, सिक्स प्रोटोन वो टेन इलेक्ट्रॉन को, टेन कैसे हो गए, यहाँ पे पहले से दो होंगे और इसका फोर इलेक्ट्रॉन था और प्लस फोर इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एट प्लस टू टेन इलेक्ट्रॉन, तो ये सिक्स प्रोटोन हाईली नेगेटिव चार्ज को बैलेंस नहीं कर पाते। क्लियर? तो कार्बन क्या करते हैं, अपना फोर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ना ट्रांसफर करते हैं, ना डोनेट करते हैं, ना लेते हैं ना देते हैं, ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो देखो गाइस कैसे, अब होता क्या है गाइस, अब यहाँ पे कार्बन के आउटर मसल में सॉरी टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, फोर। क्लियर? अब ये क्या करता है, ये अपना फोर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालता है, शेयरिंग में, बिकॉज ये ना ले रहा है ना दे रहा है। एंड गाइस इसी को बोला जाता है टेट्रावेलेंट एटम बोला जाता है कार्बन को भी गाइस, बिकॉज इसके आउटर मोस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन है गाइस, टेट्रा का मतलब होता है फोर और वैलेंसी का मतलब होता है इसके वैलेंस सेल में, अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, ये पहला सेल में टू इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड सेल में कितने हैं, फोर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फोर, तो टेट्रा वैलेंट। क्लियर? तो गाइस जितनी एलिमेंट की वैलेंसी रहती है जनरली वो उतना ही बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो। तो यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है, अपना फोर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा गाइस, तब जाके वो स्टेबल होगा, चार जन से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, फोर है, तो यहाँ पे कार्बन का ये वन टू थ्री फोर। एंड रिमेम्बर वन थिंग गाइस, जब भी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? अब देखो ये कार्बन के फोर इलेक्ट्रॉन हो गए, अब हाइड्रोजन कितने है गाइस, फोर है, और हाइड्रोजन टोटल चार है ना, और हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वन, तो इसके पास वन ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का। क्लियर? अब क्या होता है गाइस, ये अपना बॉन्ड शेयर करते हैं, अपना बॉन्ड शेयर करते हैं, एंड इन्हीं को बोला जाता है गाइस, इन्हीं को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो टोटल अगर कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कार्बन का वन टू थ्री फोर एंड साथ में शेयरिंग कर रहा है ना गाइस, तो ये भी इलेक्ट्रॉन है ना, टू 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 टू, मतलब फोर, चार खुद के एंड चार हाइड्रोजन शेयर हुए अपना इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास भी एट हो गए। अगर हाइड्रोजन का काउंट करोगे तो हाइड्रोजन का भी देखो ये खुद का इलेक्ट्रॉन और एक शेयरिंग वाला। क्लियर? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर के बॉन्ड बन रहा है। एंड रिमेम्बर वन थिंग, कार्बन चार बॉन्ड ही बनाता है, उसी को बोला जाता है टेट्रा वैलेंसी। क्लियर गाइस? ओके, सो देख लेते गाइस ये एग्जांपल को अभी। सो गाइस ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। रिमेम्बर वन थिंग, हाइड्रोकार्बन में सब में क्या होता है गाइस, कोवेलेंट बॉन्ड। अब गाइस यहाँ पे ना कोवेलेंट बॉन्ड पे देखो, यहाँ पे जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड सी, ये जनरली थ्री टाइप्स के होते हैं। अगर सपोज किसी एलिमेंट में सी एक सिंगल डैश है, सिंगल डैश इसको बोला, ये जो है ना सिंगल डैश है, जस्ट सिंगल डैश, एक्चुअली जो कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है ना वो इसी वे से रिप्रेजेंट किया जाता है गाइस, जस्ट डैश लगा देते। अगर सिंगल डैश है तो उसको बोला जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? अगर वहां पे ऐसे डबल डैश है गाइस, यहाँ पे डबल डैश है,
तो वहां पे ये भी क्या होगा बट ये डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर। एंड अगर थ्री डैश रहेंगे गाइस, ट्रिपल डैश रहेगा, ट्रिपल डैश, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होंगे। एंड रिमेम्बर वन थिंग गाइस, ये जो सिंगल डैश होता है ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये हमें दिखेगा गाइस अल्केन में, और ये जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है गाइस वो दिखेगा हमें अल्कीन में, और ये जो हमारा है ट्रिपल बॉन्ड वो किसमें दिखेगा गाइस, ये हमें दिखेगा अल्काइन में। तो एक रफ आइडिया आ रहा है गाइस कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड एंड अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा हमें, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इनका स्ट्रक्चर कि यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर। एंड गाइस डोंट वरी, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम करेंगे लेटर ऑन एंड अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से। अब यहाँ पे गाइस मिथेन को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लूंगा, देन आगे आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। सो मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो मिथेन। अब मिथेन को रिप्रेजेंट कैसे करें, मिथेन को रिप्रेजेंट कैसे करें, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। तो यहाँ पे मिथेन का फॉर्मूला क्या है गाइस, CH4। अब आपने कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से, ये हमारा ये अल्केन रिप्रेजेंट करता है गाइस, अल्केन रिप्रेजेंट करता है कि कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, बट यहाँ पे कार्बन एक ही है, तो सिंपल सा क्या करो, पहले कार्बन ड्रॉ करो, कार्बन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे पता है कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो मैं फोर इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दे रहा, कितने हाइड्रोजन है, फोर, कितने फोर, तो यहाँ पे फोर हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एंड हाइड्रोजन के पास भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, एक एक इलेक्ट्रॉन, क्लियर। एंड इन्हीं को ऐसे लिंक कर दो गाइस, क्लियर। तो ये मिथेन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा मिथेन का स्ट्रक्चर है, एंड इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है गाइस ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डॉट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बिकॉज गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में, डॉट फॉर्म में दिखाया है, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया गाइस, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एंड सिंपल सा इसी को अगर इस वे में लिखे, CH, तो ये क्या है गाइस, ये ओपन स्ट्रक्चर है, कि इसको ओपन फॉर्म में लिखा, ओपन स्ट्रक्चर, क्लियर। ये हमारा ओपन स्ट्रक्चर है, क्लियर। और ये हमारा गाइस क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और दूसरा देख लो, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया। एंड यहाँ पे जो CH4 है ना गाइस, यहाँ पे ये जो हमारा CH4 है, ये क्या है, ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्लियर। एंड दूसरा गाइस, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना रहे तो कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालना रहेगा तो कैसे निकालोगे, तो गाइस मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम जनरली, यस अगर नाइन्थ में पढ़ा रहेगा अच्छे से तो वहां पे दिए हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। सो गाइस मॉलिक्यूलर वेट है ना हमारा, सी मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, या मॉलिक्यूलर वेट को बोला जाता है एटॉमिक मास। तो यहाँ पे करते क्या है, पहले कितने कार्बन है, एक कार्बन है, प्लस कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे फोर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे पहले कार्बन का एटॉमिक मास निकालेंगे, फिर फोर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एक हाइड्रोजन का निकाल के फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है गाइस 12, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो फोर हाइड्रोजन के 4, तो यहाँ पे टोटल ऐड करोगे कितना आ रहा है गाइस 16। मतलब मिथेन का जो हमारा एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास मिथेन का CH4 का, वो कितना है गाइस 16। अब यहाँ पे 1 कैसे आया वो भी देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस हो गया, और ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो गाइस इसके पास एक ही प्रोटॉन होता है, याद रखना एक ही प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, क्लियर। तो यहाँ पे अगर एक प्रोटॉन है ना, न्यूक्लियस पे कितना, न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस का यहाँ पे वैल्यू देखो, एक ही प्रोटॉन है, तो यहाँ पे मैं एक ही यहाँ पे लिया, एक ही प्रोटॉन, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, और न्यूट्रॉन भी तो होना चाहिए ना गाइस, बट यहाँ पे 0 न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन अगर नॉर्मल लोगों में 0 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है,
तो यहाँ पे हम लोग इसका मास देखते हैं न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस पे वन प्रोटोन है प्लस जीरो न्यूट्रॉन है, टोटल कितना आ रहा गाइस वन, तो हम ये वन यहाँ पे लिखेंगे। एंड कार्बन के केस में क्या होता है गाइस, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल, ये सेकेंड सेल, तो कार्बन के केस में क्या रहता है कि ये हमारा क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में सिक्स प्रोटोन रहते हैं एंड सिक्स न्यूट्रॉन भी रहते हैं गाइस, एंड पहले सेल में टू इलेक्ट्रॉन एंड दूसरे सेल में फोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो कितना है, सिक्स प्लस सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स प्रोटोन एंड सॉरी सिक्स प्रोटोन प्लस सिक्स न्यूट्रॉन कितने हो गए गाइस ट्वेल्व, तो ये ट्वेल्व क्या होगा इसका एटोमिक मास, तो ये एड कर देंगे। क्लियर गाइस? तो ये मैं गाइस अब रफ कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ ना, सी हम इथेन एंड प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी फॉर्म में, कैसा दिखेगा वो अब यहाँ पे गाइस। अब मैं इथेन का स्ट्रक्चर, इथेन का फॉर्मूला देखो, इथेन का फॉर्मूला क्या है C2H6। अब ये कैसे आया इथेन C2H6 कैसे आया, तो यहाँ पे अल्केन का फॉर्मूला क्या है गाइस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन था अल्केन, उसका फॉर्मूला ये था। अब यहाँ पे मैं गाइस एन की वैल्यू टू पुट करूँ, एन की वैल्यू टू पुट करूँ तो देखो क्या आएगा गाइस, यहाँ पे CnH2n+2 है, तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू टू है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला पुट करोगे तो यहाँ पे C2 आ जाएगा, हाइड्रोजन देखो 2 2 4 + 2 6, तो यही आ रहा है। क्लियर? तो अब क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है, सिंपल है, डेफिनेशन देखो क्या दिया है, दिस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ओनली कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है। क्लियर? देखो अब यहाँ पे से ये कितने कार्बन है, टोटल टू, तो यहाँ पे टू कार्बन को लिख दो पहले। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते, फोर ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर? अब क्या करो, पहले कार्बन कार्बन का पहले बॉन्ड बना दो, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना दो। अब यहाँ पे क्यों नहीं बनाते, यहाँ पे बस एक ही कार्बन था। क्लियर? अब यहाँ पे कार्बन है ना एक और, तो यहाँ पे पहले कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना दो। अब बचा क्या, तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी तीन इलेक्ट्रॉन। अब क्या कितने हाइड्रोजन है, सिक्स, तो देखो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये और ये। क्लियर? अब इनको जॉइंट कर दो। क्लियर? क्लियर? तो ये क्या है गाइस, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया गाइस। क्लियर? किसका, हमारा इथेन का। ये क्या है गाइस, हमारा इथ मतलब टू कार्बन, एन का एन रिप्रेजेंट करता है कि सिंगल बॉन्ड है, देखो गाइस इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखेंगे, जस्ट ओपन स्ट्रक्चर में, जस्ट ओपन स्ट्रक्चर में, तो ये कैसे दिखेगा गाइस, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से लिंक्ड है और ये हमारे हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। क्लियर गाइस? ये हमारे कार्बन किस फॉर्म में, ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म में। क्लियर गाइस? ट्राई करना अभी प्रोपेन के लिए, चलो मैं प्रोपेन तक बता देता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे प्रोपेन को देख लेते हैं, थर्ड वाला। अब गाइस यहाँ पे प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, हमारा प्रोपेन क्या है, C3H8 है ना गाइस, ये C3H8। अब ये भी कैसे आया गाइस, ये भी इसी फॉर्मूले से आया है, अगर पुट करके देख लेना सी, अगर एन की यहाँ पे एन की वैल्यू में 3 पुट करूँ तो यहाँ पे 3 आएगा, यस 3 आ गया। क्लियर? 3 2 6 + 2 8, राइट? तो यहाँ पे कार्बन 3 है, तो क्या करोगे, पहले सेम वही वे में कार्बन, पहले 3 कार्बन को डॉट कर एक लाइन में पहले अरेंज कर दो। कार्बन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्या करना गाइस, हाइड्रोजन को दिखाने से पहले यहाँ पे ना कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बना दो, तो इनको पहले लिंक कर दो। यस, लिंक किया। अब यहाँ पे तो लिंक होने वाले नहीं है। क्लियर? अब हाइड्रोजन कितने देखो जरा, 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लियर। अब हाइड्रोजन को शो कर दो, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब लिंक कर दो बॉन्ड को इसको भी। क्लियर गाइस, क्लियर, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। अगर इसी को इस वे में लिखना चाहो देखो, क्लियर क्लियर गाइस, बहुत इजी है यहाँ पे। क्लियर, ये अलग है और ये पार्ट अलग है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट है, ये ओपन स्ट्रक्चर है। क्लियर गाइस, तो ऐसे क्या करना, पहले इजीली पहले कार्बन का चेन बना लेना विद 4 इलेक्ट्रॉन एंड देन ये बाद में रीअरेंज करना। क्लियर गाइस, सो मैं गाइस इसको अभी रफ कर देता हूँ। और याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने से पहले पहले कार्बन को लिंक कर देना, यहाँ पे डेफिनेशन वही बोलते हैं ना, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्लियर, मीथेन के केस में अलग है, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन नहीं आएगा क्योंकि एक ही कार्बन है, तो बट इन केस में पहले कार्बन को सिंगल बॉन्ड से पहले अरेंज कर देना। क्लियर, सो गाइस इसको मैं रफ कर देता हूँ अल्केन पार्ट को। सो गाइस अभी यहाँ पे देख लो, अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है गाइस हमारा ब्यूटेन है, हमारा फोर्थ वाला पार्ट क्या है गाइस, ब्यूटेन है। क्या है फॉर्मूला, C4H10 होता है। सो गाइस जनरली एक टर्म आता है यहाँ पे उठ के कि आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं या आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस बिकॉज हायर स्टडी। तो यहाँ पे पहले आइसोमेरिज्म होता है क्या पहले वो जान लेता है। क्लियर, और आइसोमर्स आइसोमेरिज्म को जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि आइसोमर्स होते क्या है, आइसोमर्स होते क्या है। सो गाइस आइसोमर्स का बेसिकली डेफिनेशन देख लो क्या होता है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। सो गाइस ये डेफिनेशन से थोड़ा थोड़ा हिंट लगता है बट सॉल्व करेंगे तो इजीली पता चलेगा। डेफिनेशन व्हाट से गाइस, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट इनका ना क्या होना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग रहेगा बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं ब्यूटेन से, बिकॉज जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है ना ये 3 कार्बन तक नहीं शो करता, ये ब्यूटेन से ही शो करता है एंड आगे मेंबर में सब में मिलेगा। ओके, तो ब्यूटेन को देख लेते गाइस, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10 है गाइस। क्लियर, अब यहाँ पे ब्यूटेन को लिखोगे कैसे, देखो ऐसे लिखोगे C, 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 ऐसे लिखोगे ना ओपन चेन में ऐसे लिखोगे गाइस। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है ना, तो हाइड्रोजन लगा दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 ये हो गया गाइस। ये क्या है देखो, एक नॉर्मल चेन है, यहाँ पे नॉर्मल चेन है। मैंने बोला ना कि हमारा अल्केन क्या होगा, चेन भी हो सकता है ब्रांच भी हो सकता है, तो ये क्या गाइस एक हमारा स्ट्रेट चेन है, ये क्या है स्ट्रेट चेन है। क्लियर, तो यहाँ पे इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला देखो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 4, 4 और ये 2, 10 है। एंड गाइस इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, अलग वे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैसे देख लेते हैं। सी सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे कार्बन 3 कार्बन मैंने लाइन से लिखे बट 1 कार्बन को क्या कर दिया मैंने बीच में यहाँ से ब्रांचिंग कर दिया। बोलते ना रास्ता सीधा जा रहा है, कभी रास्ता बीच से आ गया, ब्रांच हो गया चेन। तो देखो अब यहाँ पे सेम वही करना है, कार्बन हमारा कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड क्योंकि टेट्रावैलेंट है, तो यहाँ पे सेम वही वे में लगा दो
अब इसको कितना बाकी, एक लाइन तो हो गया, कितना बाकी है, वन टू थ्री हो गया, देखो इसको वन टू थ्री हो गया, वन वन पहले से है, वन टू थ्री फोर हो गया, अब यहाँ से वन तो पहले से है, वन टू थ्री, देखो सब जगह फोर लाइन दिख रहा है कार्बन के पास, यस। अब हाइड्रोजन कितने अरेंज करना है, टेन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टेन हाइड्रोजन अरेंज कर दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, दिख रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये जो है हमारा गाइस ये ब्रांच है, ये हमारा ब्रांच चेन है गाइस, बट ये स्ट्रक्चर अलग है ना गाइस, ये ब्रांच है और ये स्ट्रेट चेन है, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो गाइस क्या है, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे भी सी फोर है, और हाइड्रोजन देखो थ्री 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 सिक्स सेवन एट नाइन टेन, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है गाइस, टेन है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है ना जो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, तो इनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट है गाइस, इसी को बोला जाता है आइसोमेरिज्म, क्लियर गाइस। सो आई होप गाइस, सॉरी ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर बोलेंगे, ये एक दूसरे को क्या बोलेंगे, आइसोमर, एंड इसी फेनोमेनन को क्या बोला जाता है गाइस, आइसोमेरिज्म। आई होप आइसोमेरिज्म अब क्लियर हो, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आर कॉल्ड एज आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेनन इज रिफर एज आइसोमेरिज्म, क्लियर गाइस। ओके, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेना चाहता हूँ, मैं पेंटेन का भी एग्जाम्पल ले लेना चाहता हूँ गाइस, इसी के बेस पे बहुत इजी है, देख लेते हैं। सो गाइस इसको मैं रफ कर देना चाहता हूँ, तो देख लेते हैं गाइस पेंटेन का फॉर्मूला क्या है गाइस, यस सी फाइव एच यस फाइव, ये किसका फॉर्मूला है हमारा, पेंटेन का, क्लियर। अब यहाँ पे ब्यूटेन में देखा, सी अभी हम जस्ट ब्यूटेन में देखे, ब्यूटेन के कितने आइसोमर है गाइस, टू आइसोमर्स है यहाँ पे, टू आइसोमर्स, बट यहाँ पे जो पेंटेन के होते हैं ना गाइस, पेंटेन के जो पॉसिबल आइसोमर्स है, पॉसिबल आइसोमर्स वो होते हैं थ्री आइसोमर्स, क्लियर। एंड जैसे हेक्सेन के जो होते हैं ना, हेक्सेन के वो होते हैं गाइस फाइव आइसोमर्स, ये आगे पढ़ोगे गाइस हायर स्टडी में, देख लेते हैं पेंटेन के, पेंटेन को देख लेते हैं गाइस, आपके सिलेबस में जस्ट ब्यूटेन तक ही दिया है, पेंटेन का मैं बता दे रहा हूँ सिक्स। अब यहाँ पे सिंपल पहले फाइव कार्बन है ना, पहले देख लो बना लो पांच कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव, क्लियर। अब यहाँ पे फोर लाइन अरेंज करो इसके कार्बन के आजू बाजू, यस हो गया, क्लियर। अब क्या होगा गाइस देख लो, और पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं चार कार्बन को एक ही लाइन में अरेंज करूं, वन टू थ्री फोर, और क्या करूं गाइस, एक को मैं ब्रांचिंग में डाल दू, एक को मैं ब्रांचिंग में, सो यहाँ पे ब्रांचिंग में डाल दिया, क्लियर। अब तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है गाइस, तीसरा पॉसिबिलिटी ये है गाइस कि मैं जस्ट तीन कार्बन को लाइन में लिखा और दो को ब्रांचिंग में डाल दिया, जैसे अब बैलेंस करो गाइस यहाँ पे, वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री, और यहाँ पे सेम कार्बन के आजू बाजू चार लाइन रहना चाहिए गाइस, बिकॉज इट्स अ टेट्रावेलेंट, चार ही बॉन्ड बनाएगा, क्लियर। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो, कितने हाइड्रोजन है गाइस, 12 देखो है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो यहाँ पे भी कार्बन कितने फाइव है, और फॉर्मूला देखो क्या आएगा इस, यस हाइड्रोजन कितना आया, 12 आया। अब इसका देख लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, इसका भी सेम फॉर्मूला आ रहा है गाइस, सी फाइव एच ट्वेल्व, क्लियर। अब इसको देखोगे ना, एक सीधा नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, क्लियर, बट इसको देखोगे ना ये सीधा जाके एक इसमें ब्रांचिंग है, और इसको देखोगे यहाँ पे सीधा है बट ब्रांचिंग दोनों साइड है, क्लियर।
तो ये जो हमारा ये जो बीएमसी है गाइस, ये ब्रांच है, ये ब्रांच चेन का एग्जांपल है। और ये कौन सा है गाइस, ये हमारा सिंपल स्ट्रेट चेन है। देखो अब यहाँ पे बैलेंस करो, सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आ रहा है ना गाइस, यहाँ पे क्या आ रहा है, C5H12। सो गाइस यहाँ पे ये तो पांच कार्बन है, पेंटेन का ही पार्ट है, बट क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखो डिफरेंट डिफरेंट है। इन्हीं को क्या बोला जाता है गाइस, ये एक दूसरे के आइसोमर है। और पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं है गाइस, और पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने है, क्लियर? सो प्लीज याद रखना आइसोमर्स होता है क्या, बिकॉज आप लोग के सिलेबस में है गाइस, क्लियर? सो ये पार्ट मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्लियर? एंड इसके बाद जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है गाइस, याद रखना इसका नाम अलग होगा, इसका भी नाम अलग होगा, बिकॉज कंपाउंड थोड़ा सा भी डिफर होगा एक दूसरे से तो नाम चेंज होता है गाइस, इसीलिए तो आइसोमर्स है। तो यहाँ पे नाम अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो इनका नाम भी चेंज होगा, और वो नाम आईयूपीएसी जो नॉमेनक्लेचर है वो डिटेल में अच्छे से हम बाद में पढ़ेंगे गाइस, क्लियर? तो गाइस अब देख लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी जैसे हमने कंप्लीट किया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें एक ही था अल्केन, अल्केन का एग्जांपल देखा है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देन। अभी हम अल्किन से अल्किन डील करते गाइस, अल्किन किसका पार्ट है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। देन अल्किन डील करने के बाद देन हम लोग देखेंगे कि अल्काइन क्या होता है। सी अब यहाँ पे गाइस अल्किन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है CnH2n, दैट्स इट, क्लियर? तो यहाँ पे सेम मैंने क्या कहा, अगर एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है इथ, तीन कार्बन है प्रोप। तो यहाँ पे देखो इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, क्लियर? और अल्कीन है तो हमें लास्ट में क्या करना है, ENE लगाना, इसके पहले अल्किन था तो ENE लगाए थे। अब ENE क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस, जो ये ENE टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है कि मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक तो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया रहेगा मॉलिक्यूल में, क्लियर? एंड इसका डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस, सी दिस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन एटलीस्ट, याद रखना कम से कम एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। मतलब गाइस अगर हमारा कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है तो इनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहना चाहिए, क्लियर? तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहना चाहिए, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ये वाला बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है गाइस कि यहाँ पे मिथेन क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे सी अब यहाँ पे सी मिथ और इन ये भी आना चाहिए, बट गाइस अगर मिथेन का फॉर्मूला देखोगे तो मिथेन का क्या था, CH4। तो मुझे ये बताओ गाइस कार्बन कितने, इसमें वन है ना, तो बट यहाँ पे क्या चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। वहां पे सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड था, बट वहां पे ऑल कार्बन को देखो ना गाइस, ऑल कार्बन को देखो सिंगल ही बॉन्ड था ना, अगर मिथेन में देखोगे तो ये भी सिंगल बॉन्ड है। और दूसरा क्या देखा था हमने, इथेन का देखा था, सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ऑल सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पे उसका डेफिनेशन पहले वाला था कि सी एंड सी के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, अब यहाँ पे सी नहीं है। सो डियर माय फ्रेंड यहाँ पे याद रखना कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड भी रहना चाहिए, बट यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन पे सिंगल बॉन्ड चलेगा, बट इनकेस यहाँ पे अगर सोचोगे कि हम क्या करेंगे, कार्बन का डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से बता देंगे ऐसे, एंड बाकी ये हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे अगर ये सोच रहे हो गाइस तो ये बहुत गलत होगा एंड हाईली अनस्टेबल होगा, बिकॉज हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना गाइस ये। अब यहाँ पे अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन लाएगा किधर से, मिलेगा ही ना उसको, तो इसलिए यहाँ पे इस पार्ट को नहीं लिखते गाइस, तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ पे नहीं आएगा, क्लियर? हम सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं बिकॉज हाइड्रोजन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करता है, बट डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, तो यहाँ पे मिथिन नहीं बनेगा, रिमेम्बर मिथिन नहीं बनेगा, नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन यहाँ पे नहीं डालना।
सो यहाँ पे जब पूछेगा ना कोई स्मॉलेस्ट अल्किन कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट अल्किन क्या है गाइस, इथेन। इथेन क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट अल्किन है, स्मॉलेस्ट अल्किन है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते गाइस, रिमेम्बर वन थिंग, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड नहीं, क्लियर। और ये गाइस जितने भी ये आए हैं ना, ये वाले वैल्यू C2H4C3H6 यही फॉर्मूले से आया, जस्ट पुट कर देना, सेम मैथ तो इतना आता रहेगा आप लोग को। अगर गाइस मैं इथिन का स्ट्रक्चर बनाऊ गाइस, इथिन मतलब इथ मतलब कितने कार्बन, इथ मतलब टू कार्बन है गाइस, तो मैं यहाँ पे टू कार्बन बना दे रहा हूँ, देखो वन टू कार्बन, क्लियर। अब यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, फोर, तो मैं फोर लिख दे रहा हूँ, फोर लिख दे रहा हूँ, वन टू थ्री, क्लियर। और यहाँ पे फोर, अब यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर, बट हमें गाइस कार्बन टू कार्बन क्या चाहिए, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड चाहिए ना, तो इसको अरेंज देखो कैसे करेंगे, सी कार्बन कार्बन एज इट इज लिखा है। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ मैं, एंड दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एंड सेम यहाँ पे भी, चार इलेक्ट्रॉन है गाइस, उतने इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए, तो देखो ये बॉन्ड ये बॉन्ड, अब बचे कितने, चार बचे हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं इथिन में, फोर, तो देखो वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे फोर हाइड्रोजन आ गए, क्लियर क्लियर। और ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, क्लियर। अब इसको अच्छे से लिखोगे तो कैसे दिखेगा कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, एंड यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये किसका स्ट्रक्चर है गाइस, ये हमारा इथेन का स्ट्रक्चर है। ये कौन सा फॉर्मूला है गाइस, ये ओपन स्ट्रक्चर है, क्लियर। और ये कौन सा फॉर्मूला है गाइस, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला है, क्लियर। ओके अब जरा ट्राई करो प्रोपीन का लिख पाओगे क्या, जस्ट वीडियो को पॉज करो, प्रोपीन का लिखो, मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, तो क्रॉस चेक कर लेना अगर नहीं आएगा तो। सो इसको मैं रफ करता हूँ गाइस, याद रखना डेफिनेशन में क्या बोलता है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड रहना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोपीन लिख लेते हैं गाइस। सो गाइस अभी प्रोपीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं गाइस, सी अब यहाँ पे है, सी प्रोप का मतलब क्या होता है गाइस, थ्री कार्बन, राइट, एंड इन का मतलब होता है गाइस, इसके पास एटलीस्ट वन तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे देखो तीन कार्बन पहले ड्रॉ कर लो, वन कार्बन टू एंड, तो गाइस यहाँ पे हमें पता है कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं हर कार्बन के पास, क्लियर। तो ये तो हमने लिख दिया, ये तो हमने लिख दिया, बट गाइस हमें चाहिए क्या, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तो यहाँ से तो सिंगल बॉन्ड बनेगा ना गाइस, यहाँ से अगर बॉन्ड बनाना चाहोगे तो सिंगल बॉन्ड, बट हमें चाहिए कि एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड चाहिए बिटवीन और कार्बन कार्बन एटम। सो इसको रीअरेंज करके देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन पे टू इलेक्ट्रॉन आमने सामने रहेंगे, देन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, थर्ड कार्बन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्लियर। तो ये वन टू थ्री सिक्स, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर, देन यहाँ पे गाइस ये इसके फोर इलेक्ट्रॉन ना, तो यहाँ पे कैसे रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, क्लियर, सॉरी गाइस, यहाँ पे इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से भी तो लिंक रहना चाहिए, कार्बन टू कार्बन लिंक होना चाहिए, क्लियर। और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो अब ये कार्बन टू कार्बन लिंक हो गए, तो एटलीस्ट है ना वन डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन कितने है, देखो हाइड्रोजन कितने है, सिक्स हाइड्रोजन है, एंड इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे, देखो वन टू, ये तो बॉन्ड बन गया, ये भी बॉन्ड बन गया, ये भी बॉन्ड गया, यहाँ पे बच रहा है थ्री फोर फाइव सिक्स, क्लियर गाइस। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन को लिख दो, ये हाइड्रोजन कोवेलेंट बन गया, क्लियर। यहाँ पे भी बन रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, और यहाँ पे भी बन रहा है। तो ये क्या है गाइस, ये इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूले है, क्लियर। अब यहाँ पे जस्ट सेकेंड देखोगे इसको लिखेंगे कैसे, अच्छा अगर लिखना हो हमें ओपन स्ट्रक्चर में, तो ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड है, एंड इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड है, क्लियर। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, देखो टू हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं वन हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने देखो, यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन है, सेम है ना फॉर्मूला, थ्री हाइड्रोजन सॉरी थ्री कार्बन है सिक्स हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला क्या है, C3H6।
सिक्स. क्लियर गाइस? तो ये किसका है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ये मतलब ओपन स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर किसका है गाइस, अल्केन का. क्लियर? एंड सिमिलरली गाइस आप ब्यूटेन के लिए बना सकते हो, पेंटेन के लिए बना सकते हो, बट एक चीज याद रखना यहाँ पे कार्बन टू कार्बन क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना ही चाहिए. इनका मतलब ही होता है डबल बॉन्ड. तो पहले डबल बॉन्ड को बना लेना फिर और अरेंज करना जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे. क्लियर? एंड थर्ड अब एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस. सब एग्जाम्पल नहीं, मैं थर्ड ये लेने जा रहा हूँ, अल्काइन वाला पार्ट गाइस, जो इसका ही पार्ट है. अब यहाँ पे क्या होगा, अल्काइन में जो हमारा अल्काइन होगा गाइस, अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था CnH2n माइनस टू होता है, माइनस टू. क्लियर गाइस? एंड वहां पे क्या होगा, एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. तो इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या आना चाहिए गाइस, देखो यस, यहाँ पे CnH2n प्लस टू. अब यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू टू पुट करूं तो यहाँ पे C2 तो एज इट इज रहेगा, बट हाइड्रोजन कितने होंगे, टू टू जा फोर और माइनस टू, तो यहाँ पे मतलब टू आएगा, यहाँ पे फोर, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे एट, यहाँ पे टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, अब काउंट करके देख लेना गाइस, सिक्सटीन एंड यहाँ पे एटीन. तो ये हम, और यहाँ पे क्या लगेगा गाइस, देखो यहाँ पे हो जाएगा इथाइल और सी, जस्ट वाई ई जो है वाई में चेंज जाएगा, वाई में. क्लियर? अब यहाँ पे भी सेम केस आता है कि गाइस मिथ क्यों नहीं आया. अब गाइस अब हमने मिथिल का फॉर्मूला था CH4, तो यहाँ पे मिथाइन क्यों पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे मिथाइन क्यों पॉसिबल नहीं है गाइस. हमें चाहिए क्या, कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, बट हाइड्रोजन ऐसा बॉन्ड बनाता है क्या, नहीं, बिकॉज हाइड्रोजन क्या सिंगल ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है. क्लियर? तो यहाँ पे अगेन ये वाला पार्ट हम लोग ब्लैंक छोड़ रहे हैं, एंड ये जो इथाइन है वो है हमारा स्मॉलेस्ट अल्काइन होगा. सो गाइस अल्काइन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो इथाइन का अगर स्ट्रक्चर बनाना रहेगा कैसे बनाओगे, इथाइन इथ मतलब क्या, टू कार्बन, एंड वाइन का मतलब क्या होता है गाइस, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए. सिमिलरली प्रॉप का मतलब थ्री कार्बन एंड वन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. तो पहले हम इथाइन को देख लेते हैं कि इथ मतलब टू कार्बन होता है, तो वन कार्बन टू कार्बन. क्लियर? एंड इसके पास भी फोर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी फोर इलेक्ट्रॉन है, यस, बट हमें चाहिए क्या, कार्बन टू कार्बन, ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो इनके बीच में क्या है, तीन बॉन्ड बनाना जरूरी है. तो हम करेंगे कि यहाँ से तो सिंगल बॉन्ड ही बन सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे. देखो यहाँ पे वन टू थ्री, एक यहाँ पे, यहाँ इस कार्बन को भी देख लो, वन टू थ्री फोर. क्लियर? अब यहाँ पे ये बॉन्ड बना दो, यहाँ पे ये कार्बन है और हमारा ये कार्बन है, वन टू थ्री. क्लियर? राइट, ये बन गया बॉन्ड. अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं गाइस, टू हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, सेम यहाँ से भी बॉन्ड बन गया, देखो. क्लियर? तो यहाँ पे ये देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया कार्बन टू कार्बन, और ये हमारा कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड. फॉर्मूला क्या है गाइस इसका, C2H2. क्लियर? अब इसी को अगर इस स्ट्रक्चर में, ओपन स्ट्रक्चर में लिखना रहेगा तो कैसे लिखोगे, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, एच सिंगल बॉन्ड, एच. क्लियर हो गया गाइस? सो प्लीज याद रखना कि हमारा अल्केन अल्काइन, अल्केन अल्केन अल्काइन में जस्ट हाइड्रोजन वैरी कर रहा है, कार्बन तो नंबर सेम है बट हाइड्रोजन वैरी कर रहा है, बॉन्ड आ रहा है तो वहां पे हाइड्रोजन कम होते जा रहे. क्लियर? अब यहाँ पे जैसे प्रोपाइन का बनाना है तो क्या करोगे गाइस, अगर प्रोपाइन का बनाना है तो क्या करोगे, हमें चाहिए क्या, तीन कार्बन चाहिए, राइट, और एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए. तो यहाँ पे इसको रीअरेंज कर दो, पहले वन टू थ्री, वन टू थ्री. क्लियर? अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे है, देखो एक इलेक्ट्रॉन बचे रहे इसके पास, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और इसके पास चार इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड कितना हो गया, देखो यस हो गया वन टू थ्री, और इसका एक बॉन्ड यहाँ से, तो एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है ना हमें. अब हाइड्रोजन कितने है गाइस, फोर, तो कितने फोर इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, देखो ये वन,
ये तो ये हो गया, इसके तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्डिंग बना, वन इलेक्ट्रॉन यहाँ से। अब यहाँ पे देखो बच रहा है 1 2 3। अब हाइड्रोजन बैलेंस करो 1 2 3 और यहाँ पे 4। क्लियर? अगर इसको अगर लिखना रहेगा अलग वे से तो इसको कैसे लिखेंगे गाइस? सी सिंगल बॉन्ड एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एंड यहाँ पे क्या आएगा गाइस? सी एच एच ऐसा। क्लियर गाइस? ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट और इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर गाइस? एंड सिमिलरली यू कैन ड्रॉ फॉर ऑल अप टू डेक कहीं। क्लियर गाइस? देन अब यहाँ पे स्टॉप करके गाइस मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ साइक्लिक पार्ट। क्लियर? साइक्लिक में भी सैचुरेटेड है एंड अनसैचुरेटेड है। क्लियर? बट रिमेम्बर एक थिंग, जस्ट रिमेम्बर गाइस कि यहाँ पे जितने भी कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखा है, मैंने नाम नहीं लिखा है। इसका आयुपेक नॉमेनक्लेचर अलग से इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा गाइस, ये पूरे कंपाउंड का आयुपेक नॉमेनक्लेचर कैसे स्टार्ट करते हैं एंड कैसे लिखा जाता है। क्लियर गाइस? तो ये पार्ट यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ। सो गाइस अब देख लेते हैं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। सो हमने बेसिकली क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी देखा था कि साइक्लिक वाले जो पार्ट है वो फर्दर क्लासिफाइड है किसमें? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सो सैचुरेटेड का मतलब होता है गाइस इसमें जितने भी कार्बन होंगे सब सिंगल बॉन्डेड होंगे, राइट? बट हमारा जो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है वो डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं गाइस कि ये अल्किन होंगे या अल्काइन होंगे। क्लियर? ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, बट ये क्या है? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? ओके। सो यहाँ पे देख लो, अभी हमारा सैचुरेटेड में ले रहा हूं एंड देन अनसैचुरेटेड। सो यहाँ पे पहला नाम जो है हमारा दिया गया है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब हमें पता कि हाइड्रोजन ही है, कार्बन ही है, हाइड्रोजन एंड कार्बन है, बट ये किस फॉर्म में अरेंज है? ये साइक्लिक मैनर में अरेंज है, साइक्लिक फॉर्म में रहेंगे। साइक्लिक फॉर्म मतलब किस फॉर्म में गाइस? रिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। सो मुझे ये बता दो गाइस, रिंग फॉर्म होने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की जरूरत है, या इन अदर वर्ड बोल सकते हो कितने कार्बन की जरूरत है? क्या आप लोग 2 पॉइंट से कोई फ्यूज स्ट्रक्चर बना सकते हो? नहीं। यस, 3 से बना सकते हो, इनको फ्यूज कर दोगे तो 3 से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब यहाँ पे इसका कोई एंड नहीं है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या, एंड पॉइंट क्या है कुछ पता नहीं, यहाँ पे सब क्या है? फ्यूज्ड है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी नोट लिख के रखा हूँ गाइस, फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड बी व्हाट गाइस? यस, 3। क्लियर? तो ये पूछता है कभी कोई एमसीक्यूज में। सो गाइस अब ये देख लेते हैं, सो इसका जो पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, देखो अब हमें ये पता चल गया कि जो कार्बन एटम है ना, कार्बन एटम 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर? बिकॉज इट्स अ टेट्रावैलेंट, बिकॉज इट्स अ टेट्रावैलेंट एटम। क्लियर? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है गाइस। सो यहाँ पे देख लो, अभी पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जस्ट नाम नहीं बता रहा हूँ गाइस, अभी तक नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ेंगे, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इनको बॉन्ड बना दे रहा हूँ इनसे। क्लियर? अब हमें पता है कि कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है? 4। तो पर यहाँ पे कितने बने, बन चुके कितने? 2 बन चुके हैं, 2 बाकी है, यहाँ पे भी 2 बाकी है, यहाँ कितना बाकी है? 2। क्लियर? तो ये किससे, इसके जगह पे क्या आएंगे अभी? ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेंगे। क्लियर? क्लियर गाइस? ओके। एंड 4 तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल अगर और देना चाहो तो देखो, सेम 4 कार्बन का देख लो गाइस, 4 कार्बन का चेन में बना देगा, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर 4। अब बॉन्ड कितने बच रहे हैं देखो, 2 बॉन्ड बच रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे। क्लियर? क्योंकि 2 बॉन्ड बच रहे हैं ना, इधर भी 2 बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड। क्लियर? क्लियर? तो देखो ये क्या हो गया हमारे, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे अगर इसका नाम लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे गाइस? अब मुझे बताओ, 3 कार्बन वाला सैचुरेटेड कार्बन का नाम क्या था? उसका तो नाम आपने बोला था प्रोपेन था, प्रोपेन था। बट एक ऐसा स्ट्रक्चर है साइक्लिक है, 3 कार्बन का ही है बट साइक्लिक है, इसलिए गाइस इसको बोला जाता है साइक्लो, जस्ट नाम के आगे लगा देना साइक्लो प्रोपेन। एंड सिमिलरली फॉर दिस यू कैन राइट व्हाट गाइस? यस, 4 कार्बन वाले सैचुरेटेड को क्या बोला था आपने?
ब्यूटेन ना, ब्यूटेन, तो जैसे ये भी साइक्लिक है तो जस्ट नाम के आगे क्या लगा दो, साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर गाइस? सी अब अनसैचुरेटेड पार्ट देख लेते हैं, तो ये पार्ट को मैं रफ कर देना चाहता हूँ गाइस, इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट देन आई विल प्रोसीड फॉर द अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड वाले को डील कर लेते हैं, सेम यही वाला एग्जांपल ले लो गाइस, देखो यहाँ पे इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस, इस वाले पार्ट को पहले। क्लियर? तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड का मतलब है कंपाउंड में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तब जाके कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड होता है। क्लियर? तो यहाँ पे देख लो, सेम वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, एटलीस्ट एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लिख दो। क्लियर? और बाकी अरेंज कर दो एज इट इज। क्लियर? अब कितने बॉन्ड बच रहे कार्बन के वो देखो, यहाँ पे कितने बॉन्ड बच रहे, टू बॉन्ड, यहाँ पे कितने बॉन्ड बच रहे, वन टू थ्री, तो हो गए एक बॉन्ड बच रहे, यहाँ पे देखो वन टू थ्री, एक बच रहे। क्लियर? अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर? एंड दूसरा देख लो गाइस, अगर चार कार्बन वाला ड्रॉ करना है, ये हो गया, अब एक डबल बॉन्ड चाहिए ना एटलीस्ट, तो चलो एक डबल बॉन्ड लिख दो, बाकी अरेंज कर दो। क्लियर? अब कितने बॉन्ड कम पड़ रहे, कार्बन को तो चार बॉन्ड चाहिए ना, कितने बॉन्ड कम पड़ रहे देखो, वन टू थ्री हो गया, अब एक बॉन्ड पड़ा, वन टू थ्री हो गया एक बॉन्ड, यहाँ पे वन टू थ्री फोर, यहाँ पे भी वन टू थ्री फोर, तो हाइड्रोजन बैलेंस कर दो। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा गाइस, देखो जरा, सी थ्री एन एच कितने, वन टू थ्री फोर। क्लियर? और यहाँ पे कितने देखो, सी फोर हाइड्रोजन कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिक्स है। क्लियर? एंड सिमिलरली गाइस, अगर मैं पांच मेंबर का बना दू, तो देखो पांच मेंबर का कैसे दिखेगा, वन टू थ्री फोर फाइव, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड चाहिए ना, तो चलो एक डबल बॉन्ड डाल देते हैं, ये कार्बन से डबल बॉन्ड हो गया। क्लियर? अब बाकी बॉन्ड अरेंज करो, अभी ये कार्बन से, ये कार्बन से, ये कार्बन से। क्लियर? अब यहाँ पे कार्बन को बॉन्ड कितना चाहिए, चार, अब बॉन्ड कितने कम पड़ रहे वो देखो, यहाँ पे वन टू थ्री, तो इसको वन चाहिए, इसको वन टू हो गया टू बॉन्ड, इसको वन टू टू बॉन्ड, इसको वन टू टू बॉन्ड, तो इसको कितना, वन, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, तो रिमेनिंग पोजिशन वहां पे आएंगे क्या, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ना, तो कार्बन के ऑक्यूपाइज हो गए तो बचे पोजीशन हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करेंगे। क्लियर? अब इसका नाम देख लेते हैं गाइस, बहुत ही सिंपल नेम है गाइस। अब हमने अल्कीन में गाइस, जो हमारा ये डबल बॉन्ड वाला अल्कीन था, उसमें इसका नाम, तीन कार्बन वाले का नाम क्या बोला था हमने, प्रोपीन, व्हाट, प्रोपीन, तो जस्ट इस साइक्लिक है ना, जस्ट नाम के आगे लगा दो साइक्लो। क्लियर? सिमिलरली इसका क्या है गाइस, यस साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन, एंड इसका क्या आएगा गाइस, यस नाम तो लिख लिया रहेगा ऑलरेडी आपने, साइक्लो पेंटेन। क्लियर? साइक्लो पेंटेन। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, विद ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अब क्या होना, इसमें क्या है, एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो मैं इसी को रिप्रेजेंट कर देता, इसी को मतलब थोड़ा मैं इसी में मैनेज कर लेते हैं गाइस। देखो अब ये वाला इसको देख लेते हैं। क्लियर? अब क्या कर रहे हो, देखो एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए ना, एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, कार्बन टू कार्बन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो इसी को क्या कर रहा हो, एक बॉन्ड यहाँ पे डाल दे रहा। क्लियर? अब देखो क्या बच रहा है, इसके कार्बन के यहाँ पे चार बॉन्ड हो गए, यस थ्री और ये वन फोर, थ्री वन फोर ये इसके हो गए। क्लियर? अब यहाँ पे ये दो बाकी है। क्लियर? फॉर्मूला क्या आएगा, सी थ्री एच टू, तो सी थ्री एच टू। क्लियर? और इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइन, साइक्लो प्रोपाइन। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे देखो एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, ये हाइड्रोजन तो हट जाएगा फिर, और बाकी एज इट इज रहेगा, और ये साइक्लो हमारा ब्यूटाइन हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या होगा गाइस, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जस्ट बढ़ा दिया मैंने और हाइड्रोजन हटा दिया, बाकी एज इट इज रहेगा, चार बॉन्ड है, कार्बन का चार बॉन्ड रहना चाहिए गाइस, थ्री वन फोर, यहाँ पे थ्री वन फोर, यहाँ पे बाकी सब बैलेंस है। क्लियर? यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आ रहा है गाइस, देखो C4 है, H हाइड्रोजन कितने, टू टू फोर है,
यहाँ पे देख लो गाइस कितने हैं, यहाँ पे सी फाइव हाइड्रोजन कितने हैं, टू टू और यहाँ पे टू, बाकी यहाँ पे तो नहीं है, मतलब सिक्स हाइड्रोजन है। क्लियर? ओके राइट। यहाँ पे फोर, यस, यहाँ पे टू, यस, यहाँ पे कितने हैं, यस। अब इसका नाम क्या आएगा गाइस, साइक्लोपेंटाइन। क्लियर? बहुत ही सिंपल है गाइस, ये अनसाइक्लिक वाला जो पार्ट है बहुत ही इजी है। क्लियर? एंड हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे गाइस इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर, मतलब अल्केन का अलग अलग नाम कैसे, मतलब जो आइसोमर मैंने बोला ना आइसोमर्स बन गए तो उसका नाम अलग होगा, देन इसको क्या बोलते होते देखेंगे। क्लियर? तो अल्केन, अल्किन, अल्काइन एंड साइक्लिक पार्ट का भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे गाइस इसका नोमेनक्लेचर। सो गाइस मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ वीडियो।